नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड आर यूनिफॉर्मली चार्ज। इफ द स्फेयर आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ द स्फेयर। अच्छा, एक स्फेरिकल कंडक्टर होता है, उसके सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? ठीक है, सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्फेस, मान लो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? के चार्ज है मान लो प्लस क्यू, के क्यू अपॉन आर वन हो, आर वन स्क्वायर होगा, के क्यू अपॉन आर वन स्क्वायर होता है ना। और पोटेंशियल की वैल्यू पी पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर वन ये होता है। अच्छा, दोनों में रिलेशन क्या होगा? इज इक्वल टू वी पी बाई आर, वी पी ना लिखे वी लिखते हैं, अभी वी बाई आर वन कहा जाएगा ना इसको, ठीक है। और अगर दो सिनेरियो हमने ले लिया, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, रेडियस आर वन रेडियस आर टू, तो जब इनको कनेक्ट किया जाएगा किसी वायर से, तो मान लो ये पॉइंट है पी वन, ये पॉइंट है पी टू, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा ना। वी पी वन इज इक्वल टू वी पी टू, पोटेंशियल सेम होने का मतलब है, जैसे मैं कहूँ ई वन इज इक्वल टू वी वन बाई आर वन, ई टू इज इक्वल टू वी टू बाई आर टू। इसका ये मतलब है कि वी वन और वी टू अगर सेम है तो वी वन ई वन बाई ई टू इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन होगा, क्योंकि कनेक्ट करने के बाद चार्जेस का जाना रुक जाएगा, तो पोटेंशियल तो सेम ही हो जाना है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना हो जाएगा? ई वन बाई ई टू आर टू बाई आर वन, आर टू की वैल्यू ये है 2 सेंटीमीटर, ये आर टू है, ये आर वन है, ये आर वन, ये आर टू, ठीक है, आर टू बाई आर वन, टू अपॉन वन, 2 मिलीमीटर डिवाइड बाई 1 मिलीमीटर, यानी 2:1। तो 2:1 कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।